गाली सिखाया जा सकता है? जदयू में गाली देना सिखाया जाता है क्या? क्या बताइए, जदयू में गाली की ट्रेनिंग किसने दी? विधायक जी, गाली की ट्रेनिंग किसने दी? जब गोपाल मंडल नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, जदयू ऑफिस के बाहर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, क्या आप जो पिस्तल लेकर हॉस्पिटल में गए थे क्या वो सही है? उन्होंने कहा कि हम बेल्ट लगाना भूल गए थे, इसलिए हम हाथ में लेकर घूम रहे थे। लेकिन पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि लेकर घूमना और लहराना कहीं ना कहीं गलत है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बाप हो। और तमाम तरह की गालियों से संबोधित करते हुए पत्रकारों को धक्का मुक्की किया गया, वहां पर धमकी दिया गया है। और चौथा स्तंभ कहा जाने वाले पत्रकारों को गोपाल मंडल ने किस तरह भद्र भाषा का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं जदयू का जो छवि है इसे धूमिल हो रही है। जदयू हमेशा ही साफ सुथरी छवि वाली पार्टी रही है, लेकिन इस तरह के जो विधायक है जदयू को बदनाम करने का काम करते हैं, बिहार की छवि को भी बदनाम करते हैं। इस तरह के जो वीडियो बाहर आते हैं तो बिहार की छवि खराब होती है। जदयू पार्टी जो आज तक सभ्यता की पार्टी कही जाती थी, लेकिन उनके जो विधायक है इस तरह का भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार इस पर कार्रवाई करेंगे? आपको बता दें कि नीतीश कुमार से वो मिलने के लिए गए थे, नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर चर्चा हुई होगी। लेकिन जिस तरह से गोपाल मंडल ने पत्रकारों को अभद्र गालियां दी हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, धक्का मुक्की किया गया है, धमकी भी दी गई है, तो कहीं ना कहीं गलत है। आइए कुछ बताते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल मंडल पत्रकारों को। अरे यार, तुम लोग पत्रकार हो क्या हो? हमको मुश्किल लगता है, हम इसमें कमर में रखे जैसे पिस्टल लेकर लहराइए। हाँ हाँ, लहराएंगे। अच्छा, लहराएंगे लहराएंगे लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिएगा, यही संस्कृति है क्या? गाली क्यों बोलते हैं सर? इस तरह के आप गाली क्यों दे रहे हैं? गाली सिखाया जा सकता है क्या? जदयू में गाली देना सिखाया जाता है क्या? क्या बताइए, गाली देने को जदयू में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ज्यादा से ज्यादा बदमाशी करोगे नहीं, हम बता दें। क्या बताइएगा, अरे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? गाली देने की ट्रेनिंग किसने दी? विधायक जी, गाली की ट्रेनिंग किसने दी? जदयू में गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या आपको? गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या विधायक जी? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।